Assalamualaikum and a very happy good morning to you, my YouTube family. So, another day, another vlog. नई सुबह, नई activities के साथ, बिना mood हुए देखे मैं आपके सामने आ गई. कुछ भी नहीं है, मैंने पानी तक नहीं पिया. यूजुअली मैं सुबह उठ के सबसे पहले नीम गर्म पानी पीती हूँ, लेकिन अभी मैंने वो नहीं पिया क्योंकि जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ, इतना खूबसूरत मौसम, इतना प्यारा मौसम देख के उसे रहा ना गया, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है मैं ये आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूं. तो आए मैं आपको ना मौसम दिखाती हूँ ज़रा इस वक्त जो कराची का हुआ है. तो कुछ इस तरह का मौसम हुआ है कि हम आ गए हमारे सामने चले गए इस बच्चे बोल रहे छत पर. वैसे यूजुअली नहीं आने चाहिए इस तरह. तो कब से वीडियो बना रहे ना, वीडियो बनी नहीं है तानी. मैंने कब से लगा था कि हमने काफ़ी बातें कर ली तो पता चला था वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई हुई. वाह 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 वाह. खैर आप दोबारा सुन लें मुझे. ये देखें ऐसे, ये ना नए नए यूट्यूबर्स के मसले होते हैं थोड़े थोड़े से, जो भी मेरे साथ भी हो रहे हैं. कितना खूबसूरत हुआ हुआ है फिलहाल, लेकिन अल्लाह करे ये जब बरसे तो रहमत वाली बरसे. बहुत सारे लोग जो है ना, लेकिन कहीं दूर दूर अपनी अपनी छतों पर भी आए हुए. इधर 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 बच्चे बच्चे भी, ये हमारे छत के बच्चे. और संभाल की ये मैंने इन्हें एक गेम सिखाया था किसी वक्त में, एक एक्सरसाइज सिखाई थी. अभी उस पर ये देखो उल्टे सीधे तरीके से उछलते हैं आइडियली, और उछलते कूदते रहते हैं. अब हवा में ना हल्की हल्की बूंदें बरसने लगी हैं. है अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा पाकिस्तान का यही हाल है, और हमारे पड़ोसी मुल्क का भी बाइपर जॉय साहब की वजह से. अरे वही वही बाइपर जॉय, अरे वही समंदरी तूफान, ये सब उसी की वजह से है. बट खैर अल्लाह खैर करे. और अब ये मौसम आया है, लेकिन अल्लाह करे बहुत रहमतों वाली हो. हम जैसे जो हम अच्छे खासे पक्के घरों में रहते हैं, हम इंजॉय करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, पकौड़े खाते हैं और पता नहीं क्या एक्स वाई सी. लेकिन वो जो बेचारे लोग जो हैं वो कच्चे घरों में रहते हैं, मसला असल में उनका आता है. इमलो क्या कर रही हो? इमलो हाय करो. ये हमारी इमलो है, पाली शी जिन्नी शी जानू शी इमलो है. हाय हाय. ये है अब्दुल हादी साहब हमारे शहजादे, इन तीन प्रिंसेस के ये प्रिंस भाई हैं. चलें जी मैं ज़रा जाऊँ नीचे दोबारा, मुझे थोड़े से काम है, मैं वो कर लूँ पहले, बाद में मौसम इंजॉय करेंगे. जैसे ही अब मैं जाने लगी थी और बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की सी. ये बच्चों ने आपस में चैलेंजेस रखे हुए, बारिश होगी तो ये होगा, तो नहीं होगी तो वो करेगा. ये कुछ छोटे मोटे से चैलेंजेस अभी से बच्चे लगा रहे हैं. ये देखें दिख रही है ज़मीन पर, ये मेरे ख्याल से अब आराम आराम से तेज़ होने लगी है बारिश थोड़ी थोड़ी सी. हाँ अब तेज़ हो गई है जी, अब बारिश तेज़ हो गई है. तो मैं अल्लाह रहम करें. हाँ जी ये आ गई मैं दोबारा नीचे, अब ये आ गई किचन में. आपका ना देसी किचन में, मतलब देसी कह रही हूँ, मेरे खास फैमिली के घर में किचन में कुछ मिले ना मिले, ये नेमत ज़रूर पाई जाती है. ये पापे आई लव इट, बहुत पसंद है मुझे, ये ज़रूर पाए जाते हैं. खैर अभी तक तो कुछ नहीं बना, मुझे लगता है मुझे खुद ही अपने लिए कुछ खाना पीना बनाना पड़ेगा. चले जी बना के फिर मिलते हैं आपसे. कुछ खाने के बाद तो मैंने सोचा कि ना भाई से ज़रा पंखों की सफाई कराई जाए. किसम से भाइयों से पंखे साफ कराना अजाब. काम करने के बाद तो जब मैं यहाँ ड्राइंग रूम में आई तो मुझे पता चला बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो ये मैं बारिश देखने लगी. हाय असल में बारिश आती ही बच्चों के लिए है ये इंजॉयमेंट, पानी में कूदना खेलना. ये बारिश अपने साथ बहुत सारी यादें भी ले आती हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें. हाय
ये जाने कैसे हीरोइन ऐसे करती हैं और ये पानी की बूंदें हाथों पर फील हो रही होती हैं, ये नज़र आती हैं। खैर महसूस तो मुझे भी हो रही है लेकिन नज़र नहीं आ रही, लेकिन अच्छी खासी बारिश हो रही है। और फिर मैं भी ऊपर गई थोड़ा सा बारिश को इंजॉय करने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना जो है मैं भी अपने अंदर के बच्चे को थोड़ा सा सेटिस्फाई कर लूँ, क्योंकि असल में आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट आपके अंदर का जो बच्चा है ना उसी की वजह से, उसे कभी ना मरने दें, हमेशा हर पल को इंजॉय जी। तो अब तो फ़िलहाल मैं रेडी हूँ, जा रही हूँ अपनी बाजी की तरफ। जाने से पहले मुझे एक दो काम करने हैं और जिन्होंने मुझे कहे हैं, एक तो ये मुझे टेलर से उनका ड्रेस उठाना है और दूसरा काम याद नहीं, देखते हैं याद आ जाता है तो फिर वो भी देखते हैं। चले आपसे मिलते हैं फिर। और ये हम अपने टेलर के पास आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ताजे से जी लाए। और ये हमने ऑटो किया और बाजी की तरफ जाते हुए और थ्रू आउट द वे मेरे दिमाग में बस एक ही गाना चलता रहा, अपनी गाड़ी रिबो निकालू साथ में जाना तुझको बिठा लूँ। और ये हम बाजी के घर की तरफ बस पहुँचते हुए बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। अस्सलाम वालेकुम, बब्बा बब्बा ये कौन है? सुल्तान। ये भूत है? अच्छा चलो सुल्तान को मत बताना मैं क्या ला। ओ और बाजी की तरफ जब भी आओ, ये बेचारी किचन में ही होती है, कुछ ना कुछ बना रही होती है, कोई ना कोई काम कर रही होती है। ये हमने अपने भाई को लगा लिया कॉफ़ी बीट करने पर, क्या ज़बरदस्त कॉफ़ी बीट की मेरे जानू बेबी ने, मज़े से। मैंने कहा बाजी थक गई है क्यों ना उसके लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई जाए, तो हमने ये कॉफ़ी बना ली थी उनके लिए बहुत मज़े की। और ये साथ में बाजी खाना बनाते हुए है, क्या खुशबू आ रही है। और ये हमारी मज़ेदार डिलेक्टेबल कॉफ़ी तैयार और साथ में बैक पॉलर के फ्रेश बिस्किट, बहुत मज़े के, बहुत मतलब क्रिस्पी, बहुत मज़े के थे। तो हमने बहुत कुछ, कितना मी टाइम हम दोनों बहनों का था ये, हम आपस में कुछ हम डिस्कस करने लगे, कुछ चीज़ें देख रहे थे साथ साथ खाते हुए, यही बेस्ट मोमेंट होता है। और कॉफ़ी के मग के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म। आप अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माई चैनल।